विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रकाश क्लासेस में। और आज का विषय हमारा विज्ञान है, ठीक है। विज्ञान में आज का टॉपिक है हमारा घर्षण। घर्षण क्या होता है? देखिए, इससे पहले वीडियो में आपने देखा होगा, बल और बलाघूर्ण वाली जो हमने वीडियो बनाई थी, उसमें हमने बल के बारे में आपको बताया था, ठीक है। आज हम बताएंगे घर्षण के बारे में, घर्षण क्या होता है, ठीक है। तो घर्षण क्या है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे बल। घर्षण क्या है? बल है, ठीक है। दिशा, दिशा जान लेते हैं इसकी। दिशा क्या होगी? विपरीत। दिशा क्या होगी? विपरीत। देखिए, अभी क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में जैसे मान लीजिएगा, ये हम कोई बल हमारा लग रहा है, ठीक है, बल लग रहा है। बल की दिशा अगर ये है, किसकी दिशा है? बल की दिशा है। तो घर्षण की दिशा ये होगी, यानी कि ये किसकी दिशा है? घर्षण की। समझ गए? अगर बल हमारा इस दिशा में लग रहा है, तो घर्षण जो है इसके विपरीत दिशा में लगेगा, ठीक। तो ये दिशा हो गई। तीसरी चीज हमारी आती है कार्य। कार्य, अब कार्य क्या होता है? घर्षण द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक, ठीक है। घर्षण द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। क्यों? क्योंकि कार्य तो हम ऐसे कर रहे हैं, ठीक, इधर को कर रहे हैं, इधर को बल लगा रहे हैं, ठीक। जबकि घर्षण विपरीत दिशा में बल लगाता है, ठीक है। और लास्ट है हमारा गति। गति, गति को क्या करता है? कम करता है। गति को कम करता है। अगर बल, जिस गति से बल हमने लगाया है, और किसी गेंद को या किसी वस्तु को इस दिशा में जिस गति से जाना चाहिए था, लेकिन घर्षण के कारण उस गति से नहीं जा पा रहा है, ठीक है, तो ये क्या करता है? गति को कम करता है। गति को कम करता है। तो अगर हम इतनी बातें जान लें कि घर्षण क्या है, बल है, और घर्षण की दिशा क्या होती है? विपरीत होती है, और घर्षण द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, और घर्षण जो है गति को कम कर देता है। तो घर्षण की परिभाषा क्या बनेगी? इसी के आधार पे हम परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा है हमारी, ठीक है। घर्षण की हमारी परिभाषा क्या बनेगी? कि घर्षण बल किसी वस्तु की गति का उस समय विरोध करता है जब वह किसी तल पर सरक रही होती है। मान लीजिएगा ये है, ये कोई हमारी फर्श है, ठीक है, या एक तल हमारा ये है, एक तल हमने ये बना लिया, ठीक है, एक तल ये बना लिया, ये कोई लकड़ी है हमारी, ठीक है, और दूसरी चीज ये हमारी फर्श जमीन है, ठीक। अब क्या होगा? इस लकड़ी को हम धक्का देंगे तो इस फर्श पर ये फिसलेगी, और जब फिसलेगी तो क्या होगा? यहीं पर हमारा घर्षण लागू होगा दोनों में, या हम ये फर्श है और ये हमारी गेंद है, ठीक। अब हम गेंद में धक्का देंगे तो गेंद इस पे लुढ़केगी, लेकिन घर्षण क्या करेगा? उसकी गति का विरोध करेगा, उसे रोकने का प्रयास करेगा। क्लियर है? ये घर्षण हो गया। तो इसकी परिभाषा है कि वह बल जो किसी वस्तु की गति का विरोध करता है, ठीक, घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल कहलाता है। छोटी सी परिभाषा है, बहुत आसानी से याद हो जाएगी, कि वह बल जो किसी वस्तु की गति का विरोध करता है घर्षण बल कहलाता है, ठीक है। ये हमारी परिभाषा हो गई। तो घर्षण आप समझ गए, घर्षण क्या है? एक बल है, उसकी दिशा कैसी होती है? बल की दिशा के विपरीत होती है। कार्य, घर्षण द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, क्योंकि कार्य हम उधर को कर रहे हैं और ये कार्य को कम कर रहा है, तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। और गति घर्षण की कम होती है, ठीक है, यानी कि किसी भी वस्तु की गति को कम कर देता है। अब हम आगे आते हैं घर्षण के प्रकार, ठीक है, घर्षण के प्रकार, ठीक है। अब घर्षण के प्रकार क्या होते हैं देख लीजिएगा। घर्षण दो प्रकार का होता है। एक हमारा है स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण, और दूसरा हमारा है गतिज घर्षण, गतिज घर्षण, ठीक है।
स्थैतिक घर्षण या स्थैतिक घर्षण क्या होता है, स्टैटिक घर्षण इसे भी बोलते हैं, इसी को ही बोलते हैं। अब क्या होता है स्थैतिक घर्षण है? ठीक है, हम बात कर लेते हैं। हमने दो अवस्थाएं पढ़ी हैं, एक पढ़ी है विरामावस्था, विरामावस्था, ठीक है, और दूसरी अवस्था हमने पढ़ी है गति अवस्था, गति अवस्था। ठीक, तो ऐसा घर्षण जो विरामावस्था में लगता है उसे हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं। भाई रुकी हुई कोई वस्तु है, फर्श पे रखी है, तो फर्श और उस वस्तु के बीच जो घर्षण लग रहा है उसे हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं। जैसे ये हमने बताया था कोई लकड़ी का लट्ठा है या कोई व्यक्ति बैठा हुआ है या कोई बॉल रखी हुई है यहाँ पर, तो इसके और फर्श के बीच जो घर्षण लग रहा है उसे हम स्थैतिक घर्षण कहते हैं, अगर ये बॉल रुकी हुई है तो। और यही बॉल अगर फर्श पे लुढ़क रही है तो इस प्रकार के घर्षण को हम गतिज घर्षण कहते हैं। यानी कि विरामावस्था में लगने वाला घर्षण स्थैतिक घर्षण और गति अवस्था में लगने वाला घर्षण गतिज घर्षण कहलाता है। क्लियर हो गया? अब स्थैतिक घर्षण हमारा एक ही प्रकार का है, गतिज जो गतिज घर्षण है वो हमारा दो प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन से प्रकार हैं इसमें? एक है हमारा सर्पी घर्षण, सर्पी घर्षण, ठीक है, सर्पी घर्षण है, और दूसरा है हमारा लोटनी घर्षण, लोटनी घर्षण। ठीक, आप नाम से ही समझ रहे होंगे सर्पी घर्षण, ठीक है, और सर्पी घर्षण का मतलब है जैसे किसी वस्तु को हम फर्श पर सरकाते हैं इस प्रकार से। ये कोई वस्तु है हमारी, ठीक है, कोई टेबल है या कोई वस्तु है और ये हमारा फर्श है या सड़क है, हम क्या करते हैं इस पर धक्का देते हैं, तो इस प्रकार से अगर इस पर ये फिसलती है तो इस प्रकार का घर्षण हमारा कहलाता है सर्पी घर्षण। क्लियर हो गया? या फिर मान लीजिएगा हमने इसमें कोई रस्सी बांध ली है, रस्सी बांध के इसे हम खींच रहे हैं, तो इस प्रकार का घर्षण कहलाएगा सर्पी घर्षण। दूसरा हमारा लोटनी घर्षण क्या होता है? अब इसी गाड़ी में हम क्या करते हैं इस प्रकार से, ये गाड़ी हमने इसमें पहिए लगा लिए, ये हमारा रोड है, अब हमने क्या किया इस पर धक्का दे रहे हैं, तो हमारा जो घर्षण लग रहा है ये हमारा लोटनी घर्षण है। दूसरा है लकड़ी का, मान लीजिए कोई लट्ठा है, उसे हम क्या कर रहे हैं एक तरफ से धक्का देके और खींच के ले जा रहे हैं, ठीक है, तो सर्पी घर्षण, उसी को हम लोड के ले जा रहे हैं। यानी कि ये मान लीजिएगा लट्ठा है, ठीक है, अब हमने क्या किया, एक तो ये है अगर ऐसा लट्ठा है ये, तो अब हमने क्या किया इसे ऐसे ही खींच के ले जा रहे हैं फर्श पे, तो सर्पी घर्षण है, और इसी को हम लुढ़काते हुए ले जा रहे हैं, बल भी कम लगाना पड़ेगा लुढ़कता हुआ चला जाएगा। सिलेंडर समझ लीजिएगा, सिलेंडर को खींच के ले जाएंगे हाथ से तो ज़्यादा फोर्स लगाने पड़ेगा, सर्पी घर्षण हो जाएगा, और उसी को हम लुढ़काते हुए ले जाएंगे रोड पे, तो क्या हो जाएगा लोटनी घर्षण हो जाएगा। ठीक है, अगर गाड़ी में पहिए नहीं लगे हम ऐसे ही खींच रहे हैं सर्पी घर्षण है, अगर पहिए लगा लेते हैं तो लोटनी घर्षण हो जाता है। या सिलेंडर का उदाहरण सबसे अच्छा है, तो आप उसे खींच के ले जाओगे सर्पी घर्षण है, और उसी सिलेंडर को आप लड़काते हुए ले जाओगे तो लोटनी घर्षण है। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर आगे बताते हैं। अब देखिए इसमें हमारा एक घर्षण और आता है, जैसे ये है स्थैतिक घर्षण, ये क्या है स्थैतिक घर्षण, ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा गतिज घर्षण। मुख्य ये दो प्रकार हैं, लेकिन एक घर्षण आपने और सुना होगा जिसका नाम है सीमांत घर्षण, हम इधर लिखे ले रहे हैं समझाने के लिए सीमांत। ये नई चीज़ जो है सीमांत घर्षण, ये कहाँ से आ गई है, तो इसे हम क्लियर किए दे रहे हैं। आपने स्थैतिक घर्षण पढ़ लिया है, गतिज घर्षण पढ़ लिया है, और गतिज घर्षण के दो प्रकार हैं सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण। अब सीमांत घर्षण क्या होता है, ठीक है, इसका प्रभाव जो इस घर्षण का प्रभाव रहता है अधिकतम एक सेकंड के लिए रहता है, ठीक है, लेकिन होता क्या है हमें ये जानना है। मान लीजिएगा ये कोई वस्तु है, ठीक है, और फर्श पर रखी हुई है, या हमारे घर में कोई वस्तु रखी हुई है फर्श पर, उस पर कौन सा घर्षण है स्थैतिक घर्षण है। अभी ये किस घर्षण में है, स्थैतिक घर्षण में है, ठीक। अब हम क्या करते हैं इस पर फोर्स लगाते हैं, इस पर बल लगाते हैं, तो जब इस पर बल लगाएंगे तो ये क्या करे नहीं जाएंगे, चली जाएगी नहीं जाएंगे, ठीक है, और फोर्स लगाते हैं नहीं जा रही है वस्तु, और फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा, अब भाई फोर्स ज़्यादा लग रहा है तो बस सोचती है अब चलना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होता है इसमें कि वो अवस्था जिसमें स्थैतिक घर्षण अधिकतम होता है, अधिकतम कब होगा भाई, थोड़ा अभी रुकी हुई है स्थैतिक घर्षण है, फोर्स हमने लगाया
नहीं गई। लेकिन ऐसी अवस्था जहाँ पर हम फोर्स अधिक लगाते हैं और वस्तु चलने के लिए तैयार हो जाती है, तो इस अवस्था में जो बल होता है उसे हम सीमांत घर्षण बोलते हैं, वही हमारा अधिकतम स्थैतिक घर्षण होता है। तो हम समझ लें जो अधिकतम स्थैतिक घर्षण होता है वही सीमांत घर्षण होता है। और ये समय कितना होता है, एक सेकेंड, मुश्किल से कैसे, मान लीजिएगा वस्तु रुकी हुई, हमने इस पर फोर्स लगाया, अब जब तक ये वस्तु नहीं चल रही तब तक स्थैतिक घर्षण है, ठीक है, वस्तु चलने लगी तो गतिज घर्षण। लेकिन बीच में जो लगभग एक सेकंड का समय होता है जिसमें वस्तु चलने की बिल्कुल अवस्था में होती है, वह हमारा सीमांत घर्षण कहलाता है। तो ये क्लियर हो गया, स्थैतिक घर्षण, गतिज घर्षण, सीमांत घर्षण, सर्पी घर्षण और लोटरी घर्षण, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, घर्षण को कम करने के उपाय, हमारा यहीं से प्रश्न पूछा जाता है, घर्षण, ठीक है, घर्षण को कम करना, ठीक है। अब हम घर्षण को कैसे कम करते हैं, ठीक है, आपके जैसे प्रश्न पूछा जाता है कि कोई वस्तु है, कोई व्यक्ति है, उसे हम टांग पकड़ के खींच ले जाओ तो सर्पी घर्षण है, ठीक है, उसी को लुढ़कता हुआ चला जाएगा तो भैया लोटनी घर्षण है, ठीक है। अब क्या होता है, अगर हमें कम करना है तो सबसे पहले इसे सर्पी घर्षण को बदल दीजिएगा लोटनी घर्षण में, सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में, लोटनी घर्षण में बदलना, ठीक है। कैसे भैया, जिस वस्तु को हम खींच के ले जा रहे थे उसे लुढ़का के लिए जाओ, ठीक है, जब लुढ़का के ले जाएंगे तो हमारा घर्षण कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ये हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जो हमारे जिन्हें हम बोलते हैं स्नेहक, क्या बोलते हैं स्नेहक, इसमें क्या है, जैसे ऑयल है, तेल है, ग्रीस है, मोबिल है। आपने देखा होगा मशीनें चलती रहती हैं तो उनके पुर्जों में हम क्या लगा देते हैं, मोबिल लगा देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, तेल लगा देते हैं, जिससे कि वह चिकने हो जाते हैं और घर्षण वहाँ पर कम हो जाता है, जिससे टूट फूट कम होती है। तो इन्हें ये सब हैं घर्षण को कम करने के उपाय, ठीक है, इस प्रकार से हम घर्षण को कम कर सकते हैं। अब जैसे घर्षण कौन सा अधिक होता है, कौन सा कम होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमें एक हमारा स्थैतिक घर्षण, ठीक है, दूसरा हमारा है सर्पी घर्षण, ठीक है, सर्पी घर्षण, और तीसरा हमारा है लोटनी घर्षण, ठीक है, ये हमारा है तीसरा। अब देखो स्थैतिक घर्षण सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, ठीक है, इससे कम सर्पी घर्षण और फिर सबसे कम होता है लोटनी घर्षण। कभी आपको जो हमारे पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं ठोस, द्रव और गैस, ठीक है, इनसे हमारा प्रश्न आता है कि सबसे ज़्यादा घर्षण किस में होता है, ठीक है, तो वही सिंपल सी बात है, सबसे ज़्यादा घर्षण ठोस में होता है, फिर द्रव में होता है और फिर गैस में होता है। गैस के अणु जो है दूर दूर होते हैं, इनमें घर्षण कम होता है, इनमें घर्षण गैस की अपेक्षा अधिक होता है, ठोस में सबसे अधिक घर्षण होता है। तो दो बातें ये याद रखेंगे, पहली बात कि स्थैतिक घर्षण अधिकतम होता है, उससे कम सर्पी घर्षण और उससे कम लोटनी घर्षण। दूसरी बात, ठोस अवस्था में घर्षण सबसे अधिक होता है, इससे कम द्रव अवस्था में घर्षण होता है और इससे कम गैस अवस्था में घर्षण होता है। तो विद्यार्थियों, हम ये मानते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, धन्यवाद।